हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बी जे एन टी रेशियो, सी आई ओ एस डबल रेशियो, डी एच पी भी रेशियो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि बी जे एन टी, ठीक है दोस्तों, बी जे एन टी हो गया, और इसको सी आई ओ एस करते हैं। ठीक है, तो टी के बाद आपको यहाँ पर टी है, तो बी पहले के बाद सी, ठीक है दोस्तों, प्लस वन, जे के बाद टी आई प्लस वन, एन के बाद ओ प्लस वन, ठीक है, और टी के बाद एस प्लस वन। ठीक है दोस्तों, अब आप इसको क्या करिए कि डी एच पी भी, ठीक है, डी एच पी भी, ठीक है दोस्तों, तो ई, ठीक है दोस्तों, जी ओ यू, कैसे कि देखिए दोस्तों, डी के बाद ई प्लस वन, एच के बाद जी प्लस वन, पी के बाद ओ प्लस वन, ऑप्शन रिलेटेड दोस्तों, और पी के बाद यू, ठीक है, सब ऑप्शनल यानी प्लस वन। ठीक है, अब ये तीनों प्लस वन हो गया दोस्तों, तो आप कह सकते हैं ना कि अगर डी एच पी भी रेशियो ई जी ओ यू इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा ये वाला, ठीक है दोस्तों, आगे कहता है के आई जे एम रेशियो क्यू ओ पी एस डबल रेशियो के एल एम के एल ओ रेशियो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, के आई जे एम, ठीक है दोस्तों, यहाँ प्लस वन, और एम के बाद के आई के बाद जे प्लस वन, और ये प्लस टू, ठीक है, यहाँ पर के बाद एम प्लस टू। ठीक है, तो अगर हम ये कर सकते हैं कि क्यू ओ पी एस है, ठीक है दोस्तों, तो ओ के बाद पी प्लस वन, ठीक है दोस्तों, क्यू के बाद पी फिर प्लस वन, और क्यू के बाद एस प्लस टू, ठीक है, एम के एल ओ, ठीक है, ओ एम एन ओ, ठीक है दोस्तों, तो अगर हम उत्तर देते हैं इसका, अगर एम एन को, तो ये एम के बाद एन प्लस वन, ठीक है, एम के बाद एन, ठीक है दोस्तों, ये प्लस वन, और ओ के बाद, ठीक है दोस्तों, क्यू, ये हो गया प्लस टू, तो इसका आंसर हो गया दोस्तों, कह सकते हैं आंसर इसका कि एम के एल ओ रेशियो ओ एम एन क्यू इज राइट आंसर, और वो हमारा आंसर कहाँ है दोस्तों, ओ एम एन क्यू, ओ एम एन क्यू इज ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन,